नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां बीकेटी टोंझा में देर रात कोल्ड स्टोरेज में धमाके से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस पाइपलाइन फट जाने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। आपको बता दें, इस हादसे में पूरा कोल्ड स्टोरेज बर्बाद हो गया है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में रखा सामान, लगभग 8,000 का सामान बर्बाद हो गया है। कानपुर के शिवराज कोल्ड स्टोरेज कांड में मौत के मुंह में गया आधा दर्जन लोगों का गम अभी लोग भूल नहीं पाए थे कि 4 साल बाद अब राजधानी लखनऊ में ऐसा ही हादसा घटित हो गया। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते ठेकेदार मानकों के विपरीत कोल्ड स्टोरेज चलाकर बेकौफ हो चुके हैं। जिले के जिम्मेदारों के लापरवाह रवैये की बदौलत शनिवार रात इटौंजा थाना क्षेत्र में स्थित विंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज मौत का स्टोरेज बन गया। दरअसल अमोनिया गैस का रिसाव होने से कोल्ड स्टोरेज में तेज धमाका हो गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज भरभराकर जमींदोज हो गया। देखते ही देखते मंजर भयावह बन गया। हादसे में सीतापुर निवासी मिश्री लाल और धर्मेंद्र की जान चली गई, वहीं दो अन्य मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए, जो है ये इटौंजा थाना क्षेत्र में माल रोड पर, इटौंजा से माल रोड पर एक विंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें लगभग 8:30-9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे अमोनिया गैस का रिसाव हो गया कोल्ड स्टोरेज। उस पर तत्काल जो है, जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीमें हैं और हमारे जो मौके के अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी और CO साहब, यहाँ से मौके पर गए, विधिवत सर्च कराई गई है। सर्च में 4 लोग वहाँ पर मौके पर मिले थे मजदूर, उनको जो है अस्पताल लाया गया है, और जिनमें से जिनकी 2 लोग ज़्यादा गंभीर हालत में थे उनको KGM में रेफर किया है, जबकि 2 लोगों की स्थिति खराब है और उनको लगभग जो है वो अभी जो सूचना है, डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि वो जो है ब्रॉड डेड प्राप्त। जिस समय ब्लास्ट हुआ है उस समय कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर? देखिए, जब सूचना मिली थी हम लोगों को, पूरा विधिवत सर्च कराया गया, तो यही 4 लोग मिले थे। बाकी जो जितने लोग वहाँ काफी जो क्षेत्रीय और भी पल्लेदार वगैरह थे, सभी लोग सुरक्षित हैं। नहीं, कितने लोग उसमें काम कर रहे थे जिस समय ब्लास्ट हुआ है और कितने लोग घायल लगभग? ये तो जांच का विषय है, उसमें जब जांच होगी तो पता चलेगा कौन कौन थे और कितने मजदूर वहां पे कार्य कर रहे थे। अभी तो पहली प्राथमिकता प्रशासन की रहती है कि जो लोग भी हमारे मजदूर बंधु या जो हमारे जनता के जो भी लोग वहाँ पे पल्लेदार वगैरह काम कर रहे थे, उन्हें साथ में मेडिकल उपचार मिले, और उसी कड़ी में वही प्रक्रिया चल रही है। सर, क्या घटना कोल्ड स्टोरेज की लापरवाही के चलते हुई? देखिए, अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, किस कारण से हुआ है, इसकी तो विधिवत जांच होगी, क्योंकि उसमें FIR विधिवत दर्ज की जा रही है, और FIR के उपरांत जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के उपरांत जो भी दोषी होंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। हादसे के वक्त कोल्ड स्टोरेज में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। लापरवाही से चल रहे कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते भीषण हादसा घटित हो गया। हादसे में जिम्मेदारों को बचाने के लिए आनन फानन में FIR लिखी जा रही है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक अविनाश त्रिवेदी, SDM BKT नवीन चंद्र सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर आ गए। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए तत्काल मदद हेतु एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है। ये एक हमारे यहाँ इटौंजा से माल रोड पर एक कोल्ड स्टोरेज है, विंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज, वहाँ पे तकनीकी खराबी के कारण ब्लास्ट हुआ है अमोनिया गैस का, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना घट गई है, और हमारा पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन सक्रिय है, और सक्रिय होकर के जो घायल हैं उनका बराबर उपचार हो रहा है। 2 लोगों के मृत होने की सूचना अभी यहाँ अस्पताल पहुँचने पर हमको भी मिली। प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी बख्शी तालाब, इंस्पेक्टर बख्शी तालाब, इंस्पेक्टर इटौंजा, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ भी यहाँ पर मौके पर आ गए हैं, और जो भी उचित से उचित कार्रवाई है उनके जो घायल हैं उनके लिए, और आगे भी जो भी कार्रवाई है वो सब की जा रही है। सर, इस घटना में कितने लोग घायल हैं या अभी कोई उसमें फंसा है जहाँ पे घटना हुई? नहीं, अब फंसा तो कोई नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस, वो आपकी फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुँच गई है, और फायर ब्रिगेड ने जाकर के अपना पूरा काम किया है, तो अब घायल वहाँ फंसे तो कोई नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उसमें से 4 लोग आए जो मजदूर हैं, इसमें से 2 दिवंगत हो गए हैं और 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, उनको रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन इस मामले के छानबीन में जुट गई है, साथ ही मेडिकल टीम का नेतृत्व जिले के CMO संजय भटनागर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।